BJP leader Arun Jaitley is addressing the media live. Let's listen in. किसी भी हाई सिक्योरिटी व्यक्ति के लिए ये होता है। आज 6 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, न बेनियाबाद की परमिशन हमारे पास है, गंगा पूजन के संबंध में हमें कहा गया कि अनुमति नहीं मिल सकती, पर दूसरे उम्मीदवारों ने किया, केजरीवाल जी ने वहां किया। इस होटल में 150 बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग है, उसके लिए वो शहर में आएंगे और इसलिए मैं शहर में ड्राइव करने की परमिशन नहीं दे सकता। तो क्या नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी शहर में एंट्री बैंड है? क्या अपने चुनाव में वो कैंपेन नहीं कर सकते? ये तीनों अनुमति हमारे पास नहीं है। अब कुछ चैनल्स पे आ रहा है कि सोच रहे हैं कब देंगे, कब देंगे और हम तैयारी कब करेंगे, हम उसका प्रचार कब करेंगे। इसलिए मित्रों, हमने तय किया है कि कल सुबह 11 बजे BHU के बाहर लंका गेट पर मैं, मेरे साथ श्री अमित शाह, श्री अनंत कुमार और श्री वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष, BJP कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक दैट अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट by a pliant returning officer is not allowed to address a meeting in his own constituency. मुझे खेद है इस बात का कि मैंने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की और आज मैंने 3 पत्र उनको लिखे हैं जिनकी कॉपीज आपको दे दी जाएगी। पहला बेनियाबाग की मीटिंग के बारे में, दूसरा गंगा पूजन के संबंध में और तीसरा इस होटल के बैंक्वेट हॉल में जो प्रमुख नागरिकों के साथ बैठा है। और पीड़ा के साथ मैंने अपने तीसरे पत्र में लिखा है कि इज इट टू बी बिलीव्ड दैट द इलेक्शन कमीशन इज एक्विजिंग विद दिस रिटर्निंग ऑफिसर बाय नॉट रिमूविंग हिम इमीडिएटली। और अगर आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है इसको बदलने के, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और इसलिए कल का हमारा कार्यक्रम रहेगा कि सुबह 11 बजे लंका गेट पर प्रोटेस्ट होगा, दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर केंद्रीय बीजेपी भी प्रोटेस्ट करेगी, उसके बाद रोहनिया की मीटिंग के बाद BHU के हेलीपैड पे नरेंद्र मोदी जी उतरेंगे। उनको कोई कार्यक्रम करने की, क्योंकि वाराणसी शहर में अनुमति नहीं है, तो वो केवल BJP के मुख्य चुनाव कार्यालय में जाएंगे। वो अकेले अपने मोटरकैड के साथ BHU के हेलीपैड से चुनाव कार्यालय तक जाएंगे। उनका जो रूट होगा हम आपको बता देंगे और उसके बाद अपने अगले कार्यक्रम के लिए वो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। मुझे केवल इतना ही कहना था। ये तीनों पत्र मेरी व्यक्तिगत फेसबुक पे भी हैं और BJP की वेबसाइट पे भी हैं और इनकी हार्ड कॉपी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दी जाएगी। वी हैवंट रिसीव्ड द श्रेड ऑफ पेपर। द रिटर्निंग ऑफिसर इज बीइंग वेरी इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ। We haven't got, as of just now, a single piece of paper in our hand. We have been informed
in the afternoon that none of the three will be given to us. He has probably smelt a protest and is wanting to backtrack. As far as the alternative site is concerned, we have never asked for it. It's a site which can only accommodate 2,000 people. It was never an option by the BJP. We are not out of our mind to ask for a place for Narendra Modi's meeting which can accommodate only 2,000 people. देखिए, मैं इसको मानता हूं कि जब बड़े पदों पर कमजोर लोग बैठ जाते हैं तो लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा होता है। जो आज सुबह से मैं बार बार चुनाव आयोग को कह रहा था कि कार्रवाई कीजिए, चुनाव आयोग का कार्रवाई न करना मेरे लिए सबसे बड़ा निराशाजनक काम। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में एक रिटर्निंग ऑफिसर राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर ऐसा आचरण कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग इस देश का मूक दर्शक बन जाए मेरे लिए सबसे बड़ा निराशा का विषय है। कोई भी अनुमति नहीं मांगी पार्टी की तरफ से। जब प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल आया था उसमें भी कहीं भी गंगा पूजन की बात नहीं। आपने क्या एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने क्या क्या कहा है वो तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं जो है कल पार्टी कार्यालय से भी पूछा गया इस संबंध में कि क्या गंगा पूजन की वो कि नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। आप ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे लोग कल से और आज सुबह से उनके यहां बैठे हैं। क्या इस बात का खंडन कर सकते हैं कि हमारे प्रतिनिधि रात 1:30 बजे तक उनको घर बिठाए रखा है? ऐसा व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर एक मिनट के लिए नहीं चलना चाहिए। यह हिंदुस्तान के चुनाव आयोग की एक विफलता है कि एक ऐसा व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर है एक प्रमुख कंस्टिट्यूएंसी का। Well, India is still not under British rule. It's a free country. To drive on the roads of Varanasi, we don't need any damn permission from this returning officer. Just as you can drive, Mr. Modi can also drive on the roads. अगर ये प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं करवा सकता तो फिर इसको चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि हमें बदल दे। मैं उन पे इनएक्शन का संकेत दे रहा हूं। हम वोट के लिए जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, चुनाव 4 बजे की सभा में जाएंगे और उसके बाद अगर ये सभा करने की अनुमति नहीं होगी तो वो बीएचयू के हेलीपैड पे आएंगे और वहां से चुनाव कार्यालय जाएंगे और वहां से एयरपोर्ट जाएंगे। देखिए, धारा 144 केवल नरेंद्र मोदी के ड्राइव करने पे नहीं लगती। समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश इज टू ऑल्सो ब्लेम, दे आर प्रोबेबली
and it belongs to the returning officer. Well, I don't know who's responsible, but the action of the returning officer speaks for itself. The fact is that with less than 24 hours for these three functions, I still don't have a shred of paper in my hand. This returning officer is in greater communication with Srinivasan Jain than with me. Well, there we have it, BJP leader going on to refuse any alternative venue for Narendra Modi. Let's not forget that this particular issue is regarding Narendra Modi not being given permission to hold rallies in Varanasi in locations of his choice, one due to security reasons and two due to unavailability of those venues. This has not gone down too well with the BJP, and Arun Jaitley, they're refusing to accept any alternate location that cannot hold as many people as they expect to attend the rally. Obviously, the fact that such an officer has to return to extra constitutional methods shows that there is an element of nervousness.